अक्षय कुमार और कृति सेनन की फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर शुक्रवार को सुबह 10:40 बजे रिलीज किया जाएगा। हालांकि ट्रेलर रिलीज से पहले ही फिल्म जलेबी में पड़ गई है। ट्विटर पर बच्चन पांडे को लेकर अभी मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। फिलहाल तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या अक्षय कुमार की बच्चन पांडे पोस्टर की तरह ही धमाकेदार होगा या नहीं। फैंस इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक यूजर ने लिखा, बॉलीवुड का गॉडफादर आ रहा है, तो एक ने ताना मारते हुए लिखा, अगर ये फिल्म आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी से ज्यादा कमाई कर लेगी तो भी अक्षय के लिए बड़ी बात होगी। एक ने लिखा, सर प्लीज यंग गर्ल्स के साथ एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। वहीं कुछ ने लिखा, ट्रेलर देखने का इंतजार नहीं कर सकते। हाल में फिल्म से जुड़े दो पोस्टर रिवील किए गए, इसमें एक में अक्षय कुमार का लुक देखने को मिला था, वहीं दूसरे में कृति सेनन का। सामने आए पोस्टर में कृति अक्षय के साथ बाइक पर बैठी और वे किसी पर पिस्तौल ताने नजर आ रही थी। इस पोस्टर को कृति ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। उन्होंने पोस्टर शेयर कर लिखा था, भगवा का बच्चन पांडे और मुंबई की मायरा, एक गैंगस्टर और एक महत्वाकांक्षी डायरेक्टर, क्या होगी हमारी कहानी। वहीं अक्षय कुमार का खूंखार लुक भी सामने आया था। ये लुक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने लुक शेयर कर लिखा था, ये एक कैरेक्टर है जिसमें एक पेंट की दुकान की तुलना में अधिक रंग हैं। बच्चन पांडे आपको डराने, हंसाने, रुलाने सब के लिए तैयार हैं। कृपया उसे अपना सारा प्यार दें। 18 फरवरी 2022 को ट्रेलर आउट। अक्षय कुमार फिलहाल फिल्म OMG 2 और राम सेतु की शूटिंग में बिजी है। इसके अलावा अक्षय रक्षाबंधन, सिंड्रेला, XXL, ड्राइविंग लाइसेंस, राउडी राठौर 2, सेल्फी, गोरखा में नजर आने वाले हैं। वे आखिरी बार डायरेक्टर आनंदेल राय की फिल्म अतरंगी रे में सारा अली खान और धनुष के साथ नजर आए थे। बात कृति सेनन के वर्कफ्रंट की करें तो उनके पास भी फिल्मों की लाइन लगी है। वे बच्चन पांडे के अलावा भेड़िया, गणपत आदि पुरुष, हीरोपंती 2, शहजादा, सेकंड इनिंग्स में नजर आएंगी। इन फिल्मों में वे टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, प्रभास, राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।